कंधार जिले के अमझेरा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। राहुल गांधी का हेलीपैड पर जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, ग्रामीण उन्हें देखने के लिए बेताब दिखे। जैसे ही राहुल गांधी मंच पर आए, उन्होंने जनता का अभिवादन किया, राफेल पर खूब कसे तांज। इतना आपको मुआवजा मिलेगा, इस प्रकार की फैक्ट्रियां इस डिस्ट्रिक्ट में हम लगाएंगे, पूरा पूरा आपको साल की शुरुआत में बता देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भैया फसल बीमे में हजारों करोड़ रुपए चौकीदार ने लूटे, आपने बहुत अच्छा बोला। ये भैया ये घोटाला है, ये फसल बीमा योजना नहीं है, ये फसल घोटाला योजना है। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी जैसे लोगों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बांट रखे, आप लोग अपना पैसा बीमा के लिए देते हो इनको। नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, आपका नुकसान होता है, आपका ही पैसा, सरकार का पैसा आपको वापस दे दिया जाता है, सीधा आपको दिया जाता है। 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ फसल बीमा योजना में, 10,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी के मित्रों ने हिंदुस्तान के किसानों से छीना है। चौकीदार, अब देखिए अब युवाओं की बात, मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करूं, मगर मैं आपको 2-3 चीजें कह दूंगा। 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, 1 साल के अंदर 22 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में कांग्रेस पार्टी युवाओं को रोजगार दे देगी। आखिरी बात, युवा बिजनेस चालू करना चाहता है, परमिशन लेनी पड़ती है, सरकारी डिपार्टमेंट में जाकर, एक के बाद डिपार्टमेंट में जाकर परमिशन लेनी पड़ती है।